स्वरा, आज मेरा ना कुछ फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है। कुछ क्रीमी सा, कुछ क्रिस्पी सा, बट मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं किस डेस्टिनेशन में जाऊं। आपको सजेस्ट कर दूं। क्रिस्पिनेशन चले। क्रिस्पिनेशन ये कहाँ पे पड़ा? ये मोटा नगर साइड। हाँ याद आया, और उसमें कुछ रेनोवेशन भी हुआ, ऐसा रेनोवेट हुआ है दोबारा से ना। चलो चलते हैं फिर। चलो। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पंकज के क्रिएटिव फूड ब्लॉग्स में। तो आज आपसे मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज आप सभी के प्यार से और सपोर्ट से मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आप सब लोगों को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज एक बार फिर से हम आ चुके हैं एक नई डेस्टिनेशन में जिसका कि नाम है क्रिस्पी नेशन। तो देखते हैं आज का हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही मुझे आगे भी प्यार देते रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो पहले अंदर चल के यहाँ का इंटीरियर देख लेते हैं, और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि यहाँ के बारे में आप ज़्यादा बेहतर ढंग से जान सकें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रिस्पी नेशंस को कोटद्वार में लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, बट ये पहले टेक अवे के कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहे थे। बट कस्टमर से लगातार मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स के चलते इन्होंने इसे एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है। वैसे तो यहाँ पर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस तो अवेलेबल नहीं है, बट एक समय पर यहाँ पर इजिली 15 से 20 लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। माय नेम इज सचिन नेगी। सचिन नेगी जी सर। तो आपने ये आउटलेट कब खोला है? सर 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। पहले तो ये शायद से टेक अवे पर, सर पहले हमारा टेक अवे था। यस, यहाँ पर तो कस्टमर की डिमांड की वजह से हमने यहाँ पर सीटिंग प्रोवाइड कराई। उनको थोड़ा सीटिंग चाहिए था। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था पहले यहाँ पे ये आउटलेट नहीं था। हाँ सर, पहले टेक अवे का ही कॉन्सेप्ट था आपका। तो थोड़ा सा मुझे मेन्यू के बारे में बता दीजिए। सर हमारा मेन्यू है जो सारा कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल है। हाँ, इसमें हमारी जो स्पेशल आइटम है वो फ्राइड चिकन है। फ्राइड चिकन हम ओके। हमारा जो KFC स्टाइल फ्राइड चिकन सारा KFC फ्राइड चिकन ओके ठीक है। बाकी अभी हमने न्यूली पिज्जा इंट्रोड्यूस करा है। अच्छा, अभी रिसेंटली पिज्जा एंड गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड पिज्जा में क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल है? पिज्जा में सर ऑनियन डबल टॉपिंग्स में सारा कुछ, और बेसिकली सिंपल रखा है हमने मेन्यू, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा ताकि कोई भी आए पढ़ ले और आराम से ले सके कुछ भी। तो बाकी हमारे जो भी आइटम्स है सर वो सारी सबसे हिट डिश बताइए आप यहाँ पे। सर हिट हमारा सबसे ज्यादा अपना के फ्राइड चिकन ही चलता है। फ्राइड चिकन चलता है, बट आज थर्सडे है, आज थोड़ा जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी भी है तो इसलिए मैं जी सर ये ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा, बट फिर मैं चेक करूंगा कि भाई यहां पे वेज में क्या क्या रेसिपीज हैं आपके पास। वेज में सर हमारा जैसे सैलेड बहुत फेमस है यहाँ पर। सैलेड बोलते हैं वो, क्रंची सैलेड है। क्रंची सैलेड उसमें वेजिटेबल्स रहेगी, ओके, बेल पेपर्स रहेगी और सॉसेज रहती है उसमें, ओके, डिफरेंट। तो उस हिसाब से हम सैलेड रेडी करते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर कैसा टेस्ट है, रिव्यू कर लेते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो हमने जो ऑर्डर किया है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो हमने मंगाया है यहाँ पे कॉर्न मशरूम पास्ता, साथ में हमने क्रिस्पी वेज सैलेड मंगाया है, और हमने मंगाया यहाँ पे पनीर सब, और साथ में हमने 2 ड्रिंक्स भी यहाँ पे ऑर्डर करी हैं। एक हमने मंगाया है कोल्ड कॉफ़ी और एक हमने मंगाया है यहाँ पे मोहितो, बट ये पीस फ्लेवर्ड है। टेस्ट कर लेते हैं कू, है ना। तो दोनों ही अपने रिव्यू दे देते हैं, देखते हैं कि हम दोनों कैसे लगता है ना। एक एक बाइट ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे हम पास्ता को, और इस पास्ता का नेम है मशरूम एंड कॉर्न। बट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मशरूम और कॉर्न के अलावा इन्होंने यहाँ पे बेल पेपर्स का और अनियन का भी यहाँ पे यूज़ किया है, और इसे इन्होंने कोट किया है वाइट सॉस के साथ। तो पहले इसकी एक बाइट ले लेते हैं, फिर उसको रिव्यू करेंगे।
टेस्ट अच्छा है इसका और सीजनिंग भी बहुत अच्छी हो रखी है और ये बहुत ऑसम ऑसम जो इन्होंने इसमें व्हाइट सॉस यूज किया उसका काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इन्होंने इसमें चीज़ का भी यूज़ किया है जो कि नॉर्मली पिज़्ज़ा में हम देखते हैं फिलर चीज़ जो होती है उसका उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है और ओरिगेनो का अच्छा फ्लेवर आ रहा है, चिली फ्लेक्स का अच्छा फ्लेवर आ रहा है, वाइट सॉस का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, तो ओवरऑल पास्ता अच्छा बना है, बेस्ट सैलेड की। तो इसमें इन्होंने वेजिटेबल को टेस्ट नहीं किया है बल्कि इसमें छोटे छोटे पनीर के पीसेस को बैटर में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके उसको डीप फ्राई किया है और फिर उसको सैलेड में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे एसोर्टेड वेजिटेबल्स का इन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोकुम्बर का इन्होंने यूज़ किया है, बेल पेपर्स का यूज़ किया है, स्वीट कॉर्न का यूज़ किया है, ऑलिव्स का यूज़ किया है और इन सब को उन्होंने मेयोनीज ड्रेसिंग के साथ सीजन करके सर्व कर दिया है। दैट्स इट। बट फ्लेवर इसका टेस्ट दोनों ही बढ़िया है। फेवरेट पनीर सबकी, मुझे समरीज काफ़ी पसंद है। वैसे नॉर्मली मैं वेज सब ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बट आज हमने यहाँ पे पनीर सब ऑर्डर किया है तो देख लेते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इन्होंने वेजिटेबल्स में कुकुम्बर, टमेटो, आई थिंक ऑनियन इन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, टमेटोज का मुझे फ्लेवर आ रहा है और शायद पेपर्स भी इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए, बेल पेपर्स। ड्रेसिंग में यहाँ पे तंदूरी मेयो, कॉकटेल सॉस और मस्टर्ड का काफ़ी यूज़ किया हुआ है तो टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये बन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, अगर अच्छी क्वालिटी का बन होता है तो शायद और भी अच्छा ये टेस्ट करता है। हमने यहाँ पे पीस मोहितो भी टेस्ट कर ली है तो मुझे इसका टेस्ट तो ठीक लगा बट मुझे इसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये जो प्लास्टिक के जार में इसको इन्होंने यहाँ पे सर्व किया तो थोड़ा आई फीलिंग नहीं लग रहा है बट टेस्ट इसका एवरेज है, ठीक है, अच्छा लगा। कोल्ड कॉफ़ी का भी टेस्ट मुझे अच्छा लगा, ये काफ़ी फौती भी है और इसमें स्वीटनेस का भी अच्छा बैलेंस है।